हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैपी पर की। हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। और मैं भी ये नया साल शुरू कर रही हूँ एक नई वीडियो से, जो कि है जोधपुर से। मैंने अभी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ट्रैवल किया था राजस्थान, और मैं गई थी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर। तो जयपुर में मैंने स्टे किया था एक फ्रेंड के यहाँ, लेकिन जोधपुर में मैंने स्टे किया था एक होटल में जिसका नाम है होटल ट्रूली रुद्रांश इन, जिसका रिव्यू मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये है बाहर से एंट्रेंस जहाँ से हम अंदर आते हैं, और ये इनका रिसेप्शन एरिया है। आप देख सकते हो काफी क्राउडेड है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो बुकिंग थी वो काफी बड़े बड़े ग्रुप्स की बुकिंग थी, जो टूर्स एंड ट्रेवल्स के थ्रू कराते हैं लोग। तो इस तरीके से काफी बड़े ग्रुप्स आए हुए थे, और ये आप देख सकते हो पीछे काफी बड़ी बड़ी बसेस भी खड़ी हैं, और बाहर यहाँ पे कार की पार्किंग स्पेस है। अगर आप बाय कार ट्रेवल कर रहे हैं तो पार्किंग स्पेस सफिशियंट है यहाँ पे। और इसके साथ ही मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि रूम मेरा कैसा है, क्या रूम यहाँ पे अच्छे हैं, कितने का टैरिफ है, यहाँ पे स्टे करना वर्थ इट है कि नहीं है, लोकेशन क्या है। मैं सब चीज़ें आपको आगे शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा लॉबी एरिया। यहाँ से अब हम एंटर करते हैं अपने रूम में। सो ये मैं एंटर करके अपने रूम में, और यहाँ पे है आपका लगेज काउंटर, अपने लगेज यहाँ रख सकते हैं। इसके साथ ही ये है वॉशरूम, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे मिलता है आपको एक मिरर, फुल लेंथ मिरर तो नहीं है, कुछ मिडवे की हाइट है इसकी। और इसके साथ ही ये है पीछे बेड, बेड वॉज कंफर्टेबल। और बाकी जो एमिनिटीज़ आपको एक बेसिक होटल में होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल थी। स्लीपर्स नहीं थे, मैंने कॉल करके मंगवा लिए थे स्लीपर्स। और ये पीछे आपका फ़ोन फॉर सर्विस। इसके साथ ही आप देख सकते हो रूम काफ़ी स्पेशियस है, पीछे आपके टीवी यूनिट है, और टीवी पे टाटा स्काई के चैनल्स आ रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके साथ ही रूम काफ़ी अच्छे से क्लीन है, वेल मेंटेन था। तो सर्विस वाइज या फिर स्टे वाइज तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पीछे आप देख सकते हो सिटिंग स्पेस है, और इसके दूसरी साइड पर भी वही आपके सब चार्जिंग पॉइंट्स, लाइट कंट्रोल्स हैं। और पीछे इस पर्दे के है यहाँ पे एसी का कंप्रेसर, और एसी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं जब ट्रैवल करती थी काफ़ी ठंड थी। और ये है इस होटल से व्यू, या फिर मैं बोलूँगी आई थिंक ये बेस्ट व्यू होगा इस प्रॉपर्टी से। तो ये है व्यू जब हम होटल में एंटर करते हैं उस साइड से। तो आप भी कोशिश करिए जब आप आएँ तो फ्रंट साइड का व्यू बोलिएगा, क्योंकि बैक साइड के व्यू से तो ये बेटर है। अच्छा, लोकेशन जो है इस होटल की वो है इसके आसपास ना सब्ज़ी मंडी या फल मंडी है। तो जब आप होटल के लिए एंटर करते हैं तो आपको लगता है यार हम कहाँ जा रहे हैं, होटल के अंदर आके आपको पता नहीं चलेगा। ये पीछे आपका टी कॉफ़ी स्टेशन है, यहाँ पे सारी आपको टी और मिल्क पाउडर ये सब चीज़ें अवेलेबल थी, थर्मस भी था। इसके साथ ही यहाँ पे मिनी फ्रिज है, पीछे कबर्ड है, और कबर्ड में यहाँ पे इन्होंने दो एक्स्ट्रा पिलोज भी दे रखे हैं। तो लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, घूमने वाली जगहों से जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट हो गया, क्लॉक टावर मार्केट हो गया, इन सब जगहों से ये होटल पास में है, 15 मिनट से ज़्यादा दूरी नहीं है इन सब जगहों की यहाँ से। लेकिन अगर आप होटल के लिए एंटर करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी सब्ज़ी मार्केट में आ गए या फल मंडी में आ गए, वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है इस प्रॉपर्टी की लोकेशन का। बाकी ओवरऑल स्टे मेरा कम्फर्टेबल था, रूम बड़ा है, स्पेशियस है, वेल क्लीन था, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये आपकी एक वर्किंग डेस्क है, और इसके साथ ही मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। तो वॉशरूम में भी आपका गीज़र लगा हुआ है, इसके साथ ही पीछे बकेट है, मग दे रखा है, और बेसिक जो आपकी टॉयलेट सप्लाईज होती हैं वो सब अवेलेबल थी, जैसे कि आपका शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, टॉयलेट सोप, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर पीछे है आपकी टाल रैक, और यहाँ पे ओवरहेड शार का ऑप्शन भी था। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि 24 आवर्स सप्लाई ऑफ हॉट वाटर है, जो कि ज़्यादा मैंडेटरी था जब मैं ट्रैवल कर रही थी। तो फ्रेंड्स, मुझे इस प्रॉपर्टी के जो टैरिफ मुझे पड़ा था वो पड़ा है ₹9,000 के अराउंड फॉर 2 डेज, जिसमें मेरा ब्रेकफास्ट बुफे इंक्लूडेड था। तो 9,000 के हिसाब से मैं डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को नहीं रिकमेंड करूँगी, इससे बेटर आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, क्योंकि खाना इस होटल का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट अगर आप अभी प्राइस देखेंगे तो इट वुड बी अराउंड 2,500 या 3,000, तो उतना तो डेफिनेटली आप इसको पे कर सकते हैं, उतने के लिए वर्थ इट है। और फूड मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप चाहें तो बाहर के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको ऊपर इनका छत है जो टेरेस आप बोल सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली कैसा व्यू है आगे से फ्रंट से। तो वैसे लोकेशन वाइज थोड़ा सा ड्रॉबैक है, और टेरिफ अगर 2,000 से 3,000 के रेंज में आपको पड़ रहा है तो ठीक है, कोशिश करिए फ्रंट का व्यू लेने की। और फूड पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगा, बाकी आप लोग
आएँ तो एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा इस होटल को। इसके अराउंड भी और अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे ग्रीन जो पेड़ पेड़ तक आपको दिख रहा है, ये होटल की प्रॉपर्टी है और ये होटल के सामने का व्यू है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही थी। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी या थोड़ा सा आपको यूज़फुल लगी होगी इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।